नमस्कार, द डिजर्ट स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। समाचार एक झलक में। युवा और महत्वाकांक्षी ओमानी खाड्रेस ओमान में पहली बार स्मार्टफोन को डिजाइन और असेंबल करने में सफल रहे। ओमानी टीम मर्सल 7 सभी की आवश्यकताओं के अनुरूप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर हुआ है। ओमान का पहला थीम पार्क वदीना सितंबर में निजवा में खुलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंशन फंड 1.7 मिलियन ओमानी रियाल मूल्य के प्रोजेक्ट का प्रमोटर है। वाटर पार्क को अमजाद होल्डिंग द्वारा डिजाइन, विकसित और संचालित किया गया है, जबकि लिवान इन्वेस्टमेंट इस वाटर पार्क का संचालक है। देश के नेशनल कैरियर ओमान एयर ने ओमान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जो सल्तनत में राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए प्रमुख भागीदारी और ऑफिशियल कैरियर के रूप में अपना रोल निभाएंगे। शनिवार को रॉयल ओमान पुलिस ने 8 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। वे इलीगली ओमान में प्रवेश कर रहे थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। विदेशी उम्रा तीर्थयात्रियों का पहला बैच सऊदी पहुंच गया। मदीने में आए हुए बैच में रिपब्लिक ऑफ इराक के इरबिल से आने वाले 100 उम्रा तीर्थयात्री शामिल थे। एयरपोर्ट्स पर उनको कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती और निवारक उपायों के बीच कई अधिकारियों द्वारा रिसीव किया गया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर गर्ल्स ने घोषणा की है कि वे उन लड़कियों को स्वीकार करना जारी रखेंगे जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखती है। सेंटर ने कहा कि 11 सितंबर से ट्रेनिंग सेंटर्स लड़कियों की एबिलिटीज मापने के लिए 2 सप्ताह के ऑडिशन के साथ शुरुआत करेंगे। सेंटर ने निर्धारित किया है कि 13 से 17 उम्र की लड़कियाँ एलिजिबल है। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी ने अल दाफरा रीजन में लिवा, सिला और दालमा में 3 नए कोविड-19 ड्राइव थ्रू सर्विस सेंटर्स खोले हैं। ड्राइव थ्रू के टाइमिंग सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कोविड-19 सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले फाइन्स अपडेट किए हैं। अपडेटेड फाइन्स की लिस्ट में क्वारंटीन रूल्स का उल्लंघन, नकली जानकारी फैलाना और वाहन क्षमता के लिए 1000 दरहम से 50000 दरहम तक का जुर्माना निर्दिष्ट किया है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।